मार्केट सरोजनी नगर की। तो इस समय मैं सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़क है उसको खोद खोद कर यहाँ पर मलबा निकालकर इकट्ठा कर दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मलबे के कारण जो है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इतना मलबा पड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे, कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है? मैम इतनी दिक्कत है कि परसों रात को जब बारिश आ रहा था, मौसम खराब था, इतनी मिट्टी धूल उड़ रही थी कि हमारे सबके आंखों में भर गया इसके बाद घर में। और इसके बाद रात को अगर बारिश हो जाती तो हमारा सबका कैसे, कितने लोग जो पब्लिक आती है यहाँ जनता, वो कितने लोग गिर गिर के चोट खा जाते हैं। और मैंने क्या नाम है एक्शन साहब से फ़ोन किया था तो एक्शन साहब ने जेई का नंबर दिया, जेई से बात हुई, तीन चार जेई से, इसके बाद एक जेई से बात हुई, वो मुकेश दत्ता नाम है, इसके बाद उन्होंने कहा था रात को मैं उठवा दूंगा। इसके बाद गाड़ी आई उधर से, थोड़ा सा यहाँ का मलबा लेके गई, इसके बाद नहीं ले गई। कल मैं फिर फोन किया तो बोले क्या नाम है, तो पंडित जी आ लगातार आप यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं। रात को मैं उठवा दूंगा, इसके बाद अभी मैं फिर आके देखा हूँ ये मलबा पड़ा हुआ है। क्या बोलोगे भाई, ये आप खुद देख लो, जनता देख रही है, आप भी देख रहे हो, मीडिया वाले जिसको चाहे वो बना दे। अब आप केजरीवाल को कहाँ से कहाँ ले जाते हो, आप सोचो कि आपको क्या बोलना है। हम लोग क्या बोल, हम लोग तो इसे तरस है, कोई बाबा का बुलडोजर हर जगह चलना चाहिए। डीएमसी में कई बार कंप्लेंट की, ये मलबा हटा दो, पब्लिक को परेशानी हो रही है, लोगों की दुकानें, लोगों का माल, लोग गिर रहे हैं, गाड़ियां रुक रही हैं, अगर बारिश हो गई तो लोग गिर गिर के मर जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे। कोई परवाह नहीं जी, हाँ भेजेंगे जी, हाँ भेजें, आपकी कंप्लेंट हमने फॉरवर्ड, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये क्षेत्र जो है 40 लुटियन जोन में आता है, ये अनाथ सा हो चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि श्रीमान जी अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, आप इस दिल्ली के, आप आइए यहाँ देखिए, ये आपका ही क्षेत्र है, हम आपके ही परिवार के वोटर हैं, हमने भी आप लोगों को वोट दी है, हमने ही सरकार बनाई है, और हमारी समस्याएं तो सुनो, पब्लिक के टाइम तो निकालो। जब से हमारे होनेबल ये जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय केजरीवाल जी, जब से ये विधायक चुने, इससे पहले जितने भी विधायक रहे वो हर चीज़ का ध्यान करते थे। जिस पार्क में आप खड़े हैं, जहाँ पे हरी भरी घास होती थी, पानी की बहुत सिंचाई होती थी, रोज सफाई होती थी, इसमें इतना कूड़ा दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ से ये विधायक हैं, इनका ऑफिस ही नहीं है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऐसा कभी नहीं हुआ, हमने अपने जीवन में नहीं देखा कि जो विधायक हो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका कोई ऑफिस ही ना हो। देखो, दिल्ली सरकार को चाहिए इसके ऊपर काम करना, अभी G20 आ रहा है, हमें और अच्छी व्यवस्था बनानी है, दुनिया हमें, हमारे ऊपर नज़र होगी दुनिया की कि भारत में G20 है, और ये रोडों में देख रहे हो इतना मलबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नई दिल्ली क्षेत्र है और ये सेम साहब का क्षेत्र है, यहाँ अच्छा काम होना ही चाहिए, रोडों का बुरा हाल है, रोडों को भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लोग गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द NDMC की द्वारा जो है यहाँ से मलबा हटाया जाए और जो लोगों की असुविधा है उसको जो है ठीक किया जाए। न्यूज़ 10 इंडिया से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।